जानकर हैरान हो जाएंगे ये सुनने योग्य बातें। नंबर एक, चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि मंदिर की फर्शों का निर्माण पुराने समय से अब तक इस प्रकार किया जाता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तरंगों का सबसे बड़ा स्रोत होती है। जब इन पर नंगे पैर चला जाता है तो अधिकतम ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है। नंबर दो, दीपक के ऊपर हाथ घुमाने का वैज्ञानिक कारण। आरती के बाद सभी लोग दिए या कपूर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके बाद सिर से लगाते हैं और आंखों पर स्पर्श करते हैं। ऐसा करने से हल्के गर्म हाथों से दृष्टि इंद्रिय सक्रिय हो जाती है और बेहतर महसूस होता है। नंबर तीन, मंदिर में घंटा लगाने का कारण। जब भी मंदिर में प्रवेश किया जाता है तो दरवाजे पर घंटा टंगा होता है जिसे बजाना होता है। मुख्य मंदिर में भी प्रवेश करते समय घंटा या घंटी बजानी होती है। इसके पीछे कारण यह है कि इसे बजाने से निकलने वाली आवाज़ से 7 सेकंड तक गूंज बनी रहती है जो शरीर के 7 हीलिंग सेंटर्स को सक्रिय कर देती है। नंबर चार, भगवान की मूर्ति। मंदिर में भगवान की मूर्ति को गर्भगृह के बिल्कुल बीच में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर सबसे अधिक ऊर्जा होती है जहां सकारात्मक सोच से खड़े होने पर शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है और नकारात्मक दूर भाग जाती है। नंबर पाँच, मूर्ति पर फूल चढ़ाने का कारण। भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाना भी एक परंपरा है। ऐसा करने से मंदिर परिसर में अच्छी और भीनी भीनी सी खुशबू आती है। अगरबत्ती, कपूर और फूलों को खुशबू से शक्ति बढ़ती है और मन प्रसन्न हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।